भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। अंग्रेजों ने उनसे माफी मांगने को कहा, पर माफी मांगने के बजाय उन्होंने फांसी के फंदे को चुना। उनके इस बलिदान ने देश के करोड़ों लोगों के दिलों में आजादी की चाहत को चरम पर पहुंचा दिया था। कोई मुझे बताएगा कि भगत सिंह क्यों महान थे? मैं बताऊं पापा? मैंने तुम्हें यहाँ पापा कह के बुलाने के लिए मना किया था ना? मैं बताऊं सर? हाँ, बताओ। उन्होंने अगर माफी मांगी होती तो हमारे देश की आजादी खतरे में पड़ जाती। उन्होंने कहा था अगर मैं फांसी चढ़ जाऊंगा तो हर घर में एक भगत सिंह पैदा होगा, इसी वजह से वो महान थे। नहीं सर, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बोलो केशव। पार्लियामेंट में घुसकर बम फोड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है, इसलिए भगत सिंह महान इंसान थे। ऐसा नहीं था केशव, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था बल्कि अपनी तरफ ध्यान खींचने का तरीका था। नहीं सर, बम लोगों को मारने के लिए ही था। सिट डाउन। इस साल एग्जाम में जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा उसे मैं बढ़िया सा पेन दूंगा। आज मैं आपके बेटे के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो हिंसा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ही एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं, वरना आपको क्या जरूरत थी। आप सही कह रहे हैं सर, वो घर में भी छोटी छोटी चोरियां करने लगा है, अपनी माँ का भी कहना नहीं मानता, वो घर से कब जाता है कब आता है कुछ पता नहीं। ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता अपनाना सही होगा, प्यार से या डांट से उसे सही रास्ता दिखाइए। चलता हूं। तूने मेरी नाक कटा दी। जो भी कोई यहाँ आता है बस मुझे नसीहत देके चला जाता है। पढ़ाई को लेके कभी आवारा करती, कभी नंबर को लेके कोई ना कोई कंप्लेंट आती ही रहती है तेरी। कब सुधरेगा तू? तू इतनी रात को मुझे स्कूल क्यों लाया है? मैं अपना स्कूल बैग अंदर भूल गया हूँ। तू वहाँ जाकर बैठ, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन पेपर चुराने वालों की मैं मदद नहीं करूंगा। ए, हाथ देना ही तो बहुत पीटेगा। अब वो मारे या पीटे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ए, रुको, ए, रुको, रुको। इतनी रात को तुम क्या चुरा के भाग रहे हो? मैं तुम्हें छोडूंगा नहीं। रुको। तो पेपर चुराने क्यों गया था? तुम्हारे पापा ने कहा था ना जो फर्स्ट आएगा उसे एक पेन देंगे। हाँ। तभी तो मैं क्वेश्चन पेपर चुराने गया था। पेन पाने के लिए क्वेश्चन पेपर चुराने की जगह पढ़ना चाहिए था, ये तूने गलत किया। जो चाहिए उसे हासिल करना गलत बात नहीं है। तू जानता है मैं तुझे इस मंदिर में क्यों लाया हूँ? कि तू फर्स्ट आने के लिए चोरी करने के बजाय मन्नत मांग ले। ए, तेरे पास एक रुपया है क्या? किस लिए? भगवान को चढ़ाना है। ए, तूने पैसे क्यों चुराए? तुझे पाप लगेगा। ये पाप नहीं है, भगवान ने किसी को मना किया है क्या? लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। तो फिर किसका है? तुम्हारा, उसका या फिर उसका? भगवान का है मतलब सब लोगों का है। ज्यादा सोच मत, चल। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। गुड। मेहनत करके एक लाया और मैं बिना मेहनत किए दो। तू चोरी के पैसे से ये खरीद कर लाया है। चाहे जैसे भी लाया हूँ पर पेन तो है ना। ये तरीका गलत है। तू चोरी करके लाया? तुझे भी चाहिए क्या? रुक, सर को बताती हूँ। सर, सर इसने चोरी। इसकी हरकतें तो देखो। वो क्वेश्चन पेपर चुराने वाला यही है सर, ये दोनों साथ में ही थे सर। जय, तुमने देखा था? याद रखना, गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। बोलो, आपने अपने बच्चों को यही सिखाया है चोरी करना?
कैसा बच्चा है ये? इसकी टीसी लीजिए और जाइए यहाँ से। मैं कुछ भी नहीं कर पाया सर, उसकी पढ़ाई के लिए ही तो हम यहाँ आए थे, लेकिन वो तो और ज्यादा बिगड़ गया। अब हम उसे हॉस्टल में डाल देते हैं। चलता हूँ सर। नमस्ते। ए, तू अब संभल जा, छोटा है इसलिए हॉस्टल जा रहा है, अगर बड़ा होकर यही गलती करता तो जेल जाता। मान भी जा प्लीज केशव। जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, तू मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर। आरएसएस के लिए देश की सेवा भगवान की सेवा है। जैसे सेना देश की सीमा के लिए है, वैसे ही देश के भीतर की सुरक्षा के लिए स्वयं सेवक है। आरएसएस के मूल्यों का मान रखते हुए इस बार न्यूक्लियर फिजिक्स में गोल्ड मेडल जीता है जय ने, उसके लिए हमारी शुभेच्छाएं। मैं दो लोगों का आभारी हूँ, एक मेरे पापा जिन्होंने परिवार से प्यार करना सिखाया, और आरएसएस जिसने मुझे देश से प्यार करना सिखाया। मैंने चाहता कि मेरी पढ़ाई मेरे देश के काम आए, इसलिए मैं डीआरडीओ में काम करना चाहता था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीमा के सैनिकों के लिए काम करती है, उनके लिए नए नए हथियार ईजाद करती है। मैं वहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो उठो और मंजिल मिलने तक आगे बढ़ते रहो। जय हिंद। Cheers. इकबाल, सात साल पहले हम मिले थे, हमने 5 डील की, सारी कामयाब रही। बॉम्ब ब्लास्ट, बैंक रॉबरी, असैसिनेशंस, एक का भी सुराग पुलिस नहीं ढूंढ पाई। लाजवाब, असल में तुमसे मिलना मेरा गुड लक था। हमारे पिछले ऑपरेशन को इंटरपोल इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चेक करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस की नजरों में तुम क्रिमिनल नहीं हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार की डील बहुत बड़ी डील है, पूरे 500 करोड़। हालांकि ये पता नहीं है कि केशव साथ देगा या नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि इस बार निशाने पर इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उसकी देशभक्ति जग गई ना तो ये डील फेल हो जाएगी। मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज से प्यार है, पैसा। फिर चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोस्त हो या परिवार, मुझे चाहिए पैसा। पैसे के आगे दुनिया झुकती है, तो मुझे इतना पैसा चाहिए कि दुनिया मेरे आगे झुक जाए। बोलो। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक नया हथियार बनाया है, प्रोडक्ट रेडी है, मोस्ट प्रेस्टिजियस, सूटकेस के साइज का एक मिसाइल लॉन्चर है, ऑक्टोपस, बहुत ही शक्तिशाली है और भविष्य के लिए खतरनाक भी। इस समय वो हैदराबाद के डीआरडीओ में है। आर्मी से पहले वो हमारे पास होना चाहिए, इंडिया से पहले हम उसे चलाएंगे। इसके लिए तुम्हें मिलेंगे 5,000 करोड़। इतना पैसा कौन देगा? ये तुम नहीं पूछोगे, बट वन थिंग, डील करने से पहले सोच लो, प्लान फेल हुआ या लीक हुआ या किसी को शक हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। The deal is on. हाँ? हाँ। किताब को तो सीधा पकड़। जय, डीआरडीओ ने सारे मिसाइल्स कब कब बनाए थे? अग्नि 89 में, पृथ्वी 94 में, त्रिशूल 92 में, आकाश 90 में, शौर्य 2011 में और ब्रह्मास्त्र 2001 में। मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, पर इसने तो किताबें ही चाट डाली है। आईएएस की तैयारी भी मैंने इतनी नहीं करी थी। आईबीसीएम क्या होता है? आईबीसीएम नहीं, आईसीबीएम है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अपने एक छोटे से एग्जाम के लिए हमारी नींदे क्यों हराम करने पे तुला हुआ है? ये मेरे लिए एग्जाम नहीं है, इट्स माई ड्रीम। अगर तुम्हारे सपने में शिद्दत होगी तो उस सपने को पूरा करने के लिए सारी कायनात जुट जाए, यही जिंदगी का रहस्य है। ये मेरा विश्वास है कि तेरे सपनों का ये जॉब तुझे जरूर मिलेगा। तो अभी तक छुपा के क्यों रखा है, निकालिए। याद है जब हमने 10वीं पास किया था, तब से हमारे लिए हर साल पास होने पे लाते हैं। लो खाओ। ए बेटा। हाँ दादाजी। अरे तू तो आर्मी फंड जमा करवाने वाला था ना,
वो तो थोड़ा पर्सनल तेरे पास तो दाढ़ी बनाने का भी टाइम नहीं है। अरे बेटा जी, हम सबके पास अपना अपना एक गोल होता है, लेकिन हम सबका कॉमन गोल है ये देश। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत हो तो मेरा तुम्हारा सब एक तरफ छोड़कर इसमें कूद पड़ो, तभी हम सब एक साथ रह पाएंगे। यही आरएसएस हम लोगों को सिखाता है। सुनो, तुम लोग थोड़ी देर के लिए जाओ। हाँ, चलो। ए, इस जॉब की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। तेरे लिए मैंने एक अच्छी लड़की देख रखी है, तुझे वो बहुत अच्छी लगेगी। छोड़िए ना दादाजी, लड़कियों जैसे शर्माता है। ए, क्या हो रहा है? कैसे बैठे हो? कमर 90 डिग्री पर होनी चाहिए कि नहीं? सॉरी चाचा जी। भाभी देखो कैसे किताबें फेंकी हुई है, डाटा करो इन्हें। चाचू जो कहते हैं उसे सुना करो। 7-8 जा कितना होता है? हा? वो भूल गई, अभी बताती हूँ। सब याद आएगा जब अच्छी तरह से मार पड़ेगी। इस उम्र में ऐसे गाने सुनते हो? Who is the Prime Minister of India? Who is the Prime Minister of India? Who is the new President of USA? मेरे चेहरे पर नहीं, किताबों पर ध्यान दो। हर बार यही सवाल पूछते तो है पर आंसर देने नहीं देते। यही अच्छा है दीदी, अगर इसका जवाब दे दिया तो फिर से नया सवाल। सुन बेटा, ये लिस्ट ले ले, कॉफी तो पीकर आकर भी दो ना। इस उम्र में इनको हमारे भाई जैसा होना चाहिए। क्यों है ना दीदी, ये तो बिल्कुल कसाई जैसा है। इस उम्र में सबके साथ ऐसा ही होता है, उनके साथ ही नहीं, इनकी बाइक पर लड़की घुमाने की उम्र है, घर के सामान लाने की थोड़ी, इसीलिए वो हमेशा ऐसे रहते हैं फ्रस्ट्रेटेड। सर सर लिफ्ट सर प्लीज सर। सर सजल पार्क तक जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज बैठिए। लड़की ने तो मेरा पत्ता ही काट दिया। एक्चुअली इन्होंने पहले कहा था। आइए बैठिए ना। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली एक बेचारी बरसात में भीगेगी, लोग गंदी नजर से देखेंगे, प्लीज। बेचारी सही कह रही है, बारिश भी होने वाली है, लिफ्ट की ज्यादा जरूरत है इसे। तो इसके लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ले जाओ ना। थैंक यू, ये पकड़ो। जरा पीछे सर को, इतना नहीं, थोड़ा और पीछे सर को। अरे बॉस इतना नहीं, थोड़ा और पीछे सर को। हाँ ये लो, मेरा बैग पकड़ो। सुनो, पहला गियर आगे ही बढ़ता है ना। कहाँ जा रहे हैं मैडम? जब बरसात होती है तो मेरा मन करता है कि मैं बाइक चलाऊं। तो जब बरसात हो जाएगी ना फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड नहीं है। अब तक कितनी लड़कियों को बाइक के पीछे बिठाया है? माँ के अलावा और किसी को नहीं बिठाया। मैं पहली हूँ क्या? हाँ तू पहली हो। ये नीचे कैसी बातें कर रही हो? सॉरी यार, मुझे लगता था लड़के जान बूझ कर ब्रेक लगाते हैं, लेकिन इसे लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। तुम यहाँ रहती हो? क्यों, कल से तुम मेरे चक्कर लगाना शुरू करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना तूफान जैसी हूँ और तुम छोटी सी झोपड़ी, तूफान से भिड़ोगे तो झोपड़ी उड़ जाएगी लेकिन तूफान को कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? ओके बाय। तूफान तो है लेकिन बड़ा ही प्यारा है। क्लैरिटी नहीं है इसलिए ये सवाल शायद नहीं आएगा। तू जवाब दे बस। बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेट ऑफ एविडेंस। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ CO2। दादाजी चाचा से वही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं जो वो जानते हैं? दादाजी भी चाचा की तरह ही है, वो भी चाचा से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो उन्हें आते हैं।
लाइए, मुझे दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? पापा ये कोई टीचर का इंटरव्यू नहीं है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट का इंटरव्यू है, वो नहीं पूछेंगे। ठीक है पापा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सन। थैंक यू। जय, हाँ एक मिनट, ये रख लो, पेट्रोल भरवा लेना। ठीक है भैया। मंदिर में प्रणाम करते हुए जाना। अच्छा बेटा, इसे टीका लगाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कितना लंबा हो गया है। ऑल द बेस्ट जय। थैंक यू भाभी। हमारे एग्जाम होते हैं तो डांट पड़ती है, उनका एग्जाम होता है तो मिठाई मिलती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? परफेक्ट मिस्टर जय, तुम्हें सेलेक्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। वैसे हम रिजल्ट्स की वजह नहीं बताते, बट वी वांटेड टू टेल यू, तुमसे ज्यादा उम्र के एक दूसरे कैंडिडेट को हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हारा सिलेक्शन इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोका जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक। जय, कोई बात नहीं, टीचर के तौर पर मैं जितना कमा सकता था मैंने कमाया है, एक छोटा मोटा बिजनेस भी डाल दिया है, उससे गुजर बसर हो जाएगा। लड़की के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, उसकी शादी के लिए वो काफी है। अब ये ठीक है, इसे बेचा जा सकता है, इस पैसे से तुम अपना। पापा मुझे बुरा समझ लीजिए या जिद्दी समझ लीजिए, आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे नकारा मत समझिए, मैं पहले से बहुत दुखी हूं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, एक रास्ता बंद हो तो उसके लिए दुखी नहीं हुआ जाता, नए रास्ते की तलाश की जाती है। आई थिंक बिगर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू इन लाइफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। थैंक यू सर। जैसा तुमने कहा था, योगी ने किसी नॉर्मल सी जगह पर रहने का इंतजाम किया है। उसने 5 लोग ऐसे ढूंढे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनकी फैमिली डिटेल्स हमारे पास है, अगर कोई गद्दारी करेगा तो उसकी फैमिली की गर्दन हमारे हाथ में होगी। KN 357 LJ 546, वेपन्स के साथ GoPro कैमराज अरेंज कराओ। या आई विल टेक केयर। तो ये है DRDO का वो सिक्योरिटी सेटअप। इसके अंदर जाने के लिए या तो हमें एम्प्लॉय होना होगा या फिर डिफेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल विजिटर। प्लान ए, हम में से कोई ऑफिशियल विजिटर बन के जाएगा। अंदर कहीं भी जाने के लिए वी नीड एन ऑल एक्सेस पास, और उस पास पर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टैंप होना चाहिए। हमें कोई स्टैंप एक्सपर्ट ढूंढना होगा। इसमें कोई रेगुलर एक्सपर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि 1950 में आइवरी हैंडल की लेदर स्टैंप होती थी, इट्स वेरी यूनिक। उसके बाद हर जगह रबर स्टैंप यूज होने लगा, पर इंपॉर्टेंट पेपर पर अब भी यही यूज होता है। इस स्टैंप को बनाने वाला एक आदमी रिटायर होकर अपनी दुकान खोल चुका है। योगी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आदमी यही चार मीनार के पास है, उससे बात करते हैं। सोमवार की सुबह वहां काफी भीड़ होगी, तभी उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे ट्राई करो। ओके सर। तुम दोनों इसे फॉलो करना। ओके सर। तुम एक सेलफोन लो। ओके। उसमें प्रीपेड सिम डाल। एक बार पास मिल जाए तो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। फॉलो कर रही हूँ। पहले मैंने बोला था, पहले मैंने बोला। हार कवि जय, मैंने पूछा क्या? पेंटर हूँ मैं। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं करते? ओह, तो निकम्मे हो, कुछ तो बोलो। मैरिड हो? हाँ?
I'm not looking young. How could you say that? Oh, मतलब बॉयफ्रेंड होगा ही. प्यार का चक्कर है. तो एक्सपीरियंस तो किया ही होगा. अरे वही, किसी के साथ भी बारिश में बाइक पर घूमना. अब से हम यही मिला करेंगे. Really? How romantic. मैं तुम्हें अपने परिवार से तब तक नहीं मिलवाना चाहता जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं हो जाती. How boring. मैं बोरिंग हो तो चली जाऊं यहाँ से. वो जय है ना, वो दाढ़ी वाला जी, गोल्ड मेडलिस्ट है. ओ, वो तुम्हारी लड़की के लिए सूट करता है. हाँ, हाँ, हाँ. मैं जानता हूँ उसे. वो तो ठीक है सर, लेकिन उसकी फोटो भेज देते तो. अरे मुझ पर भरोसा रखो. इतनी जल्दी मत जाओ. फ्रेंच क्लास खत्म हो गई है मेरी ना, तो मुझे घर जाना है. कौन सी फ्रेंच क्लास? तुमसे मिलने के लिए मैं फ्रेंच क्लास का बहाना करके आती हूँ. हाँ दादाजी. सुनो बेटा, कहिए ना. तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है, शाम के लिए बोल दूं क्या? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ. मैं कल दुकान पे आता हूँ. ठीक है, कल मिलते हैं. बाय. जय भारत स्टैम्प शॉप. जरा सुनिए, ये स्टैम्प बनाना है. ये तो सरकारी स्टैम्प है. मैं पुलिस में हूँ. स्टेट की पुलिस का सेना से क्या लेना? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है. मैं नहीं बनाऊंगा. ए सुन, पैसा दूंगा तो कोई भी बना देगा. ए ए ए, अरे सुनो, ये गवर्नमेंट का कोई स्टैम्प बनवाना चाहता है. ये कोई धोखेबाज है. मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता. क्यों छोड़ दो? क्या करके भाग रहा है? मैं कुछ नहीं जानता. क्या क्या तुझे कह दूँ? छोड़ दो मुझको, मैं कुछ नहीं जानता. जब मैंने इसे मना किया तो इसने धमकी दी कि किसी और से बनवा लेगा. किसके लिए बनवा रहा था? अपने सर के लिए बनवा रहा था. उसका नंबर दे. बता. 9912526277. ये रॉन्ग नंबर है. रॉन्ग नंबर बता था. सही नंबर बता. बता किसने भेजा है. बता था कि तू और किसने भेजा है? छोड़ दीजिए सर. Hey, 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 hey,
क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? चल, हट, हट। ए, क्या हुआ? इसने एक आदमी को उड़ाया सर, और अब नाटक कर रहा है। ये गुंगा नहीं है, पता नहीं वो आदमी जिंदा बचा होगा या नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जय। एफआईआर करोगे? लिखाऊंगा सर। तुम्हारे हांगकांग वाले अकाउंट में दुबई से धीरम ट्रांसफर कर दिया है। काम कितना आगे बढ़ा ये बताओ, डीलर जानना चाहता है। एक बार पास मिल जाए तो हमारे आदमी डीआरडीओ में घुस जाएंगे, वहां से काम शुरू हो जाएगा। ओके। अपना स्काइप अकाउंट डिलीट करो, अगले कॉल के लिए मैं नया आईपी एड्रेस भेज दूंगा। मैं इंतजार करूंगा, फिर मिलेंगे। दोस्त, वाहिद को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिक्र मत करो, प्लान बी शुरू करते हैं। चार मीनार के पास एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। वो सच में गुंगा नहीं हो सकता, पक्का उसने जानबूझकर उस आदमी को उड़ाया। और देखो अब तो उसकी बेल भी हो गई। कानून की इसी भलाई का लोग फायदा उठाते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और तुमने ही मेरे आदमी को पुलिस से पकड़वाया था ना, दरवाजा खोलो। नहीं देना क्या? दादाजी बता रहे थे कि वो कल कोई सरकारी स्टैंप बनवाने के लिए आया था। तो तू स्टैंप नहीं बनाएगा। कौन सा? डीआरडीओ का स्टैंप। कह चुका हूँ नहीं बनाऊंगा। चल बैठ। बनाएगा या नहीं? नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएगा तो मार डालूंगा। मैंने कहा ना नहीं। जल्दी बना, 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 बना। पुलिस स्टेशन जाकर पता करता हूँ इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। दादाजी के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा इसलिए इतने फोन किए होंगे। मैं जाकर देख कर आता हूं। दादाजी, दादाजी, हाँ, दादाजी, दरवाजा खोलिए ना। डिफेंस मिनिस्ट्री की ऐसी मोहर है जो आपको डीआरडीओ में कहीं भी जाने की इजाजत देती है। उसके लिए सरकार को बाहर से मोहर बनवाने की क्या जरूरत है? वो जरूर किसी खास मकसद से ये मोहर बनवाना चाहता था। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत हो तो मेरा तुम्हारा सब एक तरफ छोड़कर इसमें कूद पड़ो। दादाजी ने अपनी जान दे दी लेकिन उन्हें उस स्टैंप को नहीं दिया। वो लोग उस स्टैंप का क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं पता लगा के ही रहूंगा। सर थोड़ा आगे चलिए। से? दिल्ली से। ओके।
Welcome to DRDO, sir. It's my pleasure. We are waiting for you. Everything is on standby inside. Hmm. आगे का प्लान ये है। गुड मॉर्निंग सर। प्रोजेक्ट तो रेडी हो गया बॉस, लेकिन इसमें 4 साल लग गए। प्रोजेक्ट 3 हमारी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट। एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू गोइंग? कैफेटेरिया। That's the cafeteria. Oh, thanks. Can I have your pen, please? Yeah. Thank you. You are from? Project 3. तो आपके मुताबिक वो भेजा जा सकता है? प्रोजेक्ट 3 हमारी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 23 और 24 को मैं ड्यूटी पर रहूंगा, इसलिए शादी में नहीं आ सकता। मुझे अब एक फेक न्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, देश की रक्षा के लिए हथियार बनाने वाले DRDO जैसी संस्था को सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। अगर हर व्यक्ति 100 लोगों को यह मैसेज फॉरवर्ड करे तो बात सरकार तक पहुंचेगी और वो इस फैसले पर दोबारा सोचेगी। प्लीज फॉरवर्ड दिस मैसेज। जय। हे डैड, क्या DRDO बंद हो रहा है? वो सब छोड़, खाना खा। लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि DRDO बंद हो रहा है। ए इडियट, DRDO ऑक्टोपस जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग, उसकी डिलीवरी भी होने जा रही है, तो DRDO क्यों बंद होगा? मेरे डैडी DRDO के सीनियर साइंटिस्ट हैं। DRDO ऑक्टोपस जैसे खास मिसाइल पर काम कर रहा है, इस तरह के फेक न्यूज को जबरदस्ती ना फैलाएं। मेरा मैसेज मुझे ही वापस आ गया। आई डोंट नो हाउ ऑक्टोपस दिल्ली जा रहा है, लोगों को SMS पर कैसे पता चला? अच्छा है खबर लीक हो गई। इससे पहले कि ऑक्टोपस सरकार तक पहुंचे, वो हमारे हाथों में होगा। उसे जहां से ले जा रहे हैं वो रूट मैप और सिक्योरिटी डिटेल्स निकालो। इसने तो मना कर दिया था ना, फिर कैसे आ गया? क्यों बड़े दिए जलाए जा रहे हैं? कुछ तो बोलो। हाँ, भगवान को सिलेक्शन के लिए घूस दे रहे हो? मम्मी पापा सामने और तुम। हाँ? तो क्या, पीला मंदिर, ये पीले दिए, मेरी पीली ड्रेस, सब कुछ मैच कर रहा है, मुझे मिलवाओ ना। मुसीबत मत खड़ी करो मेरी माँ, तुम इधर से निकल जाओ प्लीज। दीदी क्या है? अपना कसाई उस बकरी से बात कर रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो उसे कुछ पूछ रही होगी, प्रसाद कहाँ मिलेगा, और क्या पूछेगी वो, कि बाइक कहाँ है, घुमाओगे क्या? कोई भाव नहीं देता, उसका चेहरा, उसके कपड़े, सब घटिया है। इधर आओ। मैसेज में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और जब मिलते हो तो लड़की बन जाते हो, अब इतना शर्मा क्यों रहे हो? एक मिनट, मैं तुम्हें एक मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ, उसे आगे फॉरवर्ड कर देना। देखो आ गया होगा। बॉस, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने भुलक्कड़ होगे। मतलब? उसका आंसर मैंने सेंड कर दिया है, मिला होगा, जरा देखो। तो प्रोजेक्ट ऑक्टोपस मिसाइल का प्रोजेक्ट है। हेलो सर। हेलो, आप कौन? मैं जय हूँ, राम मूर्ति जी का बेटा। ओके ओके, एक छोटे से डाउट को दूर करने के लिए आया हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट को भी डाउट है? ऑक्टोपस मिसाइल सिस्टम, प्राइड ऑफ इंडियन आर्मी,
DRDO का इन्वेंट किया हुआ सबसे ताकतवर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यानी आठ। फॉर एग्जाम्पल इसमें आठ पेंसिल्स हैं। अगर इस पोजीशन पर बॉम्ब्स होंगे तो 30 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी निशाना लगा सकते हैं। लाइट वेट बट वेरी पावरफुल। सिर्फ एक आदमी इसे लेकर कहीं भी जा सकता है। पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता है इसमें। अगर ये हमारे हाथ में है तो हथियार है, और अगर ये दुश्मन के हाथ में है तो सर्वनाश। यू अंडरस्टैंड माय बॉय? इसी 26 तारीख को दिल्ली में ऑक्टोपस का ट्रायल होने जा रहा है। अगर एक बार ओके हो गया तो ये सेना को सौंप दिया जाएगा। ऑक्टोपस मतलब इसीलिए वो 23 तारीख को यहां से निकलेगा, तभी 25 को वहां पहुंचेगा। यानी उसके निकलने का टाइम होगा 23 की आधी रात को, 23rd midnight। यह है वो रास्ता जो हैदराबाद से दिल्ली जाता है, 1550 किलोमीटर्स। अगर बिना रुके चले तो भी 24 घंटे का रास्ता, और अगर बीच में कहीं रुके तो 48 घंटे लगेंगे। वो जहां भी रुकेंगे वहां हाई सिक्योरिटी तो होगी। या तो वो कलेक्टर के ऑफिस में रुकेंगे या फिर लोकल पुलिस के हेडक्वार्टर पर, तो वहां से तो ये चुराया नहीं जा सकता। रास्ते में दो वीक पॉइंट्स हैं, एक तो नीलगिरी हिल्स और दूसरी विंध्या हिल्स की सड़कें। डीआरडीओ से निकलकर नीलगिरी हिल्स पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। दिन में अटैक करने में खतरा है, इसलिए चांस नहीं लेंगे। ऑक्टोपस नीलगिरी हिल्स पर रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच पहुंचेगा। इसे संभाल कर रखो। ये गोप्रो कैमरा है, सबके सिर पर होना चाहिए। इससे जो भी तुम देखोगे स्क्रीन पर दिखाई देगा। सब ब्लूटूथ इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखो, एक बार जब गाड़ियां घाट के चेक पोस्ट पर पहुंचेंगी तब दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, तो दिन में ही जाकर हम अपनी गाड़ियों से वहां पोजीशन ले लेंगे। इज दैट क्लियर? हम रेडी हैं। ओके करो। ये वही आदमी जिसने ईशुक को पकड़ा था, पर वो यहाँ कैसे पहुंचा मालूम नहीं।
कोई आदमी उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। एक बंदा पकड़ा गया। देखो किसी भी कीमत पर उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। शूट हिम। देखो कौन मरा है। ठीक आधी रात के बाद नीलगिरी के घाट पर दिल्ली जाती हुई डीआरडीओ की वैन पर अटैक हुआ है। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। डीआरडीओ का चीफ होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगा कि इस हमले में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जय और उसकी टीम की तारीफ करती है। उस वैन में क्या था? वो कंटेनर कितना इंपॉर्टेंट था? इस बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री अपना स्टेटमेंट जारी करेगी। फिलहाल इतना ही। इसे हमारा प्लान कैसे पता चला? सब बर्बाद कर दिया इसने। फर्स्ट टाइम किसी डील में इस तरह फेल हुआ हूं मैं। कुंडली निकालो इसकी। इसके आगे कौन है, इसके पीछे कौन है, सब कुछ जानना है मुझे। ये यहां कैसे आ गए? ये सब यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कौन है आंटी? ये मेरा दूसरा बेटा है। बहुत शर्मीला है, लड़कियों के सामने गूंगा बन जाता है। ये कौन है माँ? वाटर प्यूरिफायर की मार्केटिंग करने आई थी, इसकी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो आपने ऑर्डर दिया? मुझे लड़की अच्छी लगी इसलिए रोक लिया। हाँ तो इससे बात करने आती हूँ। मैं वाटर कनेक्शन देखना चाहती थी जिससे प्यूरिफायर चला सकूं, पर उन्होंने तुम्हारे आने तक रोक लिया। ये बात है। सुन बेटा, चलो निकलो। हाँ माँ। क्यों खड़े हो, छत पर जाकर बात कर लो। हाँ ले जाता हूँ माँ। चलिए बाहर निकलिए। आउट आउट। कुछ देर मत बोलो, बस ऐसे ही रहो। माँ आ जाएगी। अब वो यहाँ नहीं आएंगी। बच्चे आ जाएंगे। वो भी नहीं आएंगे। पापा आ जाएंगे। 4:30 के बाद आएंगे। चाहती क्या हो? टेंशन मत लो। कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा। तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? बोलो मत, तुम्हें सरप्राइज देना था। तुम्हारे बाबा जी थे ना, वो हमारी फैमिली फ्रेंड थे। मेरी डैड के फोन पर उन्होंने तुम्हारी फोटो भेजी थी। डैडी ने उसे मुझे दिखाया। हमारे मिलने से पहले उन्होंने हमारा रिश्ता तय कर दिया। उनका आशीर्वाद ऊपर से भी हमारे साथ है। दोस्त पता चल गया, फोन नंबर एड्रेस फैमिली डिटेल सब मिल गया है। 10:10 हो रहे हैं। 10:40 तक उसका पूरा परिवार खत्म कर दो। उन सबकी लाशों के बीच चल के ही उससे मुलाकात करूंगा। ओके। हेलो। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, इतनी बड़ी कि तुझे अंदाजा भी नहीं है, और इसकी सजा सिर्फ मौत है। कौन बोल रहा है? जितना नुकसान तूने मेरा किया उससे ज्यादा तेरा करूंगा। ए, डायलॉग मत मार। जिसे तू डायलॉग कह रहा है वो तेरी मौत का फरमान है। तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज छीनूंगा, तेरा परिवार। ए, क्या बकवास कर रहा है? मैंने तेरा क्या छीना है? ऑक्टोपस।
तेरी माँ, बाप, भाई, बहन, भाभी, बच्चे सब मरेंगे और वो भी एक साथ। तब तुझे पता चलेगा तेरी औकात क्या है। जा बचा ले। But they will die, 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 die. आ जाए भैया, आप कहाँ पर हैं? जरा शटर उठा रहा हूँ, बाद में करता हूँ फोन। हेलो, हेलो, तू बस दौड़ता रहे, तुझे वहीं रुकना है जहां तेरे परिवार की लाशें होंगी। इतना तो तय है, सब के सब मरेंगे। तू एक को भी नहीं बचा पाएगा, जितनी कोशिश करनी है कर ले। पहली बार जब तूने मुझे स्टैंप लेने से रोका तो मुझे लगा कि वो बस एक इत्तेफाक था, लेकिन तू खोद खोद कर मुझ तक पहुंच गया। अब जिस गड्ढे को तूने खोदा है उसी में तेरे परिवार को दफन करूंगा। बस कुछ ही मिनटों में तेरा परिवार गया। क्यों? हाँ सर, और कोई चारा नहीं था। हेलो सर, एक बांग्लादेशी परिवार शहर में बॉम्ब लगाने वाला है। What? मैं उन सबके नाम बताता हूँ। वो टेररिस्ट नहीं है सर, मेरा परिवार है। सर यहाँ पुलिस आ गई है। दोस्त, हमारे मारने से पहले उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। नहीं, नहीं। जे एसीपी के ऑफिस क्या है? एसीपी के ऑफिस में फोन लगा। बच गया तू। लेकिन तू नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक नहीं दिन ऐसा आएगा। तेरे परिवार की मौत मेरे हाथों लिखी है। आज नहीं, कल नहीं, अभी से। मैं अभी से तैयार हूँ, 2400 घंटे हर दिन। तू मेरी जिद को नहीं जानता। मैं उस वक्त भी तुझे और उन 130 करोड़ भारतीयों को नहीं जानता था जिनकी जिंदगियां तूने खतरे में डाली थी। फिर भी मैंने देश के लिए जान हथेली पे लेकर तुझसे ऑक्टोपस छीन लिया था। अब तू भी समझ गया होगा कि मैं कितना बड़ा जिद्दी हूँ। तू नहीं जानता तूने किस तूफान को छेड़ा है। तेरे परिवार को बहा कर ले जाऊंगा। ऐसे तूफान में तो हम हिंदुस्तानी कपड़े सुखाते हैं। ये हिंदुस्तान ही हमारा खानदान है, समझा?
तू मेरे खानदान को छोड़, अगर किसी और को खरोच भी आए तो मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। जहां से भी जैसे भी तू जितना भी जोर लगा ले, तुझे हमेशा इस चट्टान का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश का जवान हूं। आजा मरने के लिए। जो गलत है मैं उसे गलत ही कहूंगा। ये तो एक मॉक ड्रिल थी माँ, शॉपिंग मॉल वगैरह में ये तो चलता ही रहता है। ये भी कुछ वैसा ही था, उन्होंने मुझे बताया था अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये उसकी प्रैक्टिस थी। लेकिन उन्होंने हमारे परिवार को ही अगवा क्यों किया? बाबा ये सब थोड़ी बताते हैं, वो तो उनकी कैलकुलेशंस होती है। हो सकता है उन्हें हमारी फैमिली से सहयोग की उम्मीद रही हो, पर घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने उस कॉल की छानबीन की थी, कॉल को भी रिकॉर्ड किया गया था, पर पता नहीं चला कि वो कहां से आई थी, और तुम्हारे परिवार पर हमले के सबूत भी नहीं मिले। तुम्हें दोबारा कोई कॉल आई क्या? नहीं आई सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प सर। कोई बात नहीं, गो होम, यू हैव अ सरप्राइज। माँ, माँ, कहां गए सब? क्या डरा देती हो माँ? हे जय, सॉरी भाई, तुझे नुकसान हो गया, आज से तुझे पेट्रोल के पैसे नहीं मिलेंगे। सुन, आज तक तुमने 1,30,000 का पॉकेट मनी लिया है, पहले उसे लौटाओ। अरे, सभी 100 के नोट चाहिए। अरे तो डीआरडीओ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। ऑक्टोपस की वजह से तुम्हारा पेंडिंग ऑर्डर कंफर्म हो गया। आशीर्वाद। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स बड़े। थैंक्स भैया। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स भैया। थैंक यू। दीदी, अब तक वो हम पर इसलिए गुस्सा उतारते थे क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी। अब हम बच गए दीदी। अब वो ऑफिस का गुस्सा हम पर उतारेंगे। हम कैसे भी नहीं बचेंगे। ऑक्टोपस लाने के लिए तुमने टाइम लिया, पैसे लिए और वादा भी किया। कहां है वो? तुमने कहा था कि प्लान पूरा होने तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहां तो पूरे देश को पता चल गया। तुम पूरी तरह से फेल हो गए हो केशव। अगर फिर से मेरे सामने ये फेल वर्ड कहा ना, तो तुझे दुनिया से फेल कर दूंगा मैं। तुझे ऑक्टोपस चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, यही हमारी डील है। कैसे लाओगे? सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई है, डीआरडीओ की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। अब अगर हाथ डाला ना तो हम सब पकड़े जाएंगे। ऑक्टोपस तुम्हें मिल जाएगा। तुमने तो बोल दिया, मैं क्या जवाब दूंगा उस डीलर को? अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ ना तो तुम, वो, मैं सब मारे जाएंगे। अपने सारे आदमियों को अंडरग्राउंड कर दो, मैं जय के घर जाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है, बचपन की दुश्मनी को वहीं रहने दो, जोश में होश मत खो। मुझे उससे पुराना हिसाब चुकता करना है, जिसने मुझे ऑक्टोपस लाने से रोका था, अब वही मेरे लिए ऑक्टोपस लेकर आएगा। जो गलत है मैं उसे गलत ही कहूंगा। जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तू मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर। बच्चू। आप कौन? तुम बज्जू हो ना? हाँ मैं हूँ, पर आप कौन है? अरे बज्जू, मैं तेरा केशव हूँ। केशव? राघव राव का बेटा, तेरे पड़ोस में ही तो रहता था। अरे केशव। मैं तो ठीक हूँ। सब ठीक? काफी सालों बाद मिले। हाँ। ये मेरे दोस्त हैं,
हेलो हेलो हाय 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 यहाँ कैसे आए अचानक बिना बताए मैंने तुझे टीवी पे देखा बस ढूंढ निकाला अंकल आंटी यहीं रहते हैं क्या वो कैसे अरे वो सब ठीक है चलो ना घर चलते हैं ए, मैं भी आता हूँ ओके बाय ओके अरे आओ ना अबा आप लोगों के लिए सरप्राइज है देखो तो कौन है ये राघव अंकल और सुमित्रा आंटी का बेटा है केशव ये केशव है कैसे हो बेटा आओ बैठो ना माँ बाबूजी कैसे हैं वो दोनों ठीक हैं आंटी दोनों बैंगलोर में सेटल हो गए क्या भाई केशव क्या चल रहा है छोटा सा इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है पापा देखा ना आपने पढ़ लिख कर भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ और ये बिना पढ़े लिखे भी बिजनेस कर रहा है तो बताइए क्या अरे जाने भी दो ना बेटा कितने बड़े हो गए हो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं बहुत खुश हूँ पल्लवी बचपन का दोस्त केशव हेलो हेलो हैदराबाद किसी काम से आए थे हाँ अंकल इसे टीवी पर देखा तो सोचा आकर मिल लूं बहुत अच्छा किया कहाँ रुके हो तुम ताज होटल में रुका हूँ आंटी इतने सालों बाद यहाँ आए हो और होटल में क्यों रुक गए वहाँ चेकआउट करके यहाँ आ जाओ इसका रूम है ना ऊपर इसी के साथ रहना कॉफी नहीं पीऊंगा आंटी आज मेरा उपवास है क्या रे केशव शौक पे शौक दे रहा है सही में क्या भाई साहब अच्छा बेटा मेरे स्कूल का समय हो गया मैं निकलता हूँ Good morning. Good morning. Welcome to DRDO, Jay. Thank you, sir. DRDO is proud to have you. Thank you, sir. हमले के बाद यहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है हमने अपने देश के लिए क्या बनाया और तुमने जिस चीज को बचाया है जरा उसे देखिए Yes, sir. दुनिया में सबसे हल्का लेकिन बहुत ही मजबूत ग्राफीन के मटेरियल से तैयार किया गया है ये मिसाइल लॉन्चर नैनो टेक्नोलॉजीज के साथ 14 और साइंटिफिक एलिमेंट्स को इसमें जोड़ा गया है ये किसी भी मौसम में काम करता है एक आदमी इसे आसानी से ले जा सकता है इसमें 8 मिसाइल्स होती हैं एक आदमी 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है लेकिन दुश्मनों को इसके बारे में पता चल चुका है अब उनका इरादा यह है कि हमारे हथियार से हमारे ही शहरों को निशाना बनाया जाए उनका प्लान यह है कि देश के सामाजिक और आर्थिक स्तर को कमजोर कर दिया जाए इसे देखना ही मेरी खुशकिस्मती है ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है इसे प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी सर दिस जॉब इज माय ड्रीम सर ये जिम्मेदारी मेरी जान से ज्यादा कीमती है आई विल नॉट लेट यू डाउन सर गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एप्पल वॉच पर ये सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं है बल्कि हमारी शादी कब होगी वो याद दिलाने के लिए ओके वॉच तो बड़ी अच्छी है तुमने अपने घर वालों से बात की ये गिफ्ट देना जरूरी था क्या मैंने तुमसे ये नहीं पूछा जो पूछा है उसका जवाब दो अगर मैं ये कहूँ कि हम दोनों प्यार के पंछी हैं तो तुम मानोगी नहीं मानोगी ना तो उसी तरह वो भी नहीं मानेंगे क्योंकि पहले वो मेरी शादी नहीं चाहते वो चाहते हैं कि पहले मेरी बहन की शादी हो उसके बाद हमारी बारी ये क्या जब शादी के बारे में पूछ रही हो तो फिलॉसफी झाड़ रहे हो तुम्हारा तो मैं चूमर निकाल दूंगी मेरी गोल मटोल रानी मेरे अलावा तुम्हें और कौन झेल सकता है और मुझ जैसा हैंडसम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा तुम बात टाल रहे हो अरे नहीं तो मैं क्यों टालूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते अरे तुम जैसी प्यारी मोटी आज के बाद मुझे मोटी बोला तो समझ लेना तुम
और तुम्हारे दिल में ना कुछ और छुपा है। हाँ, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। जय, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतनी डेलिकेट बात तुमने मेरे साथ शेयर की है जो सिर्फ किसी क्लोज को ही बताई जा सकती है। I just want to say I love you more than anything. हेलो, बहुत लकी है तू। मुझे पता चला तुझे DRDO में जॉब मिल गई ना। वो जॉब तुझे मेरी वजह से मिली है। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ऑक्टोपस चाहिए। ट्राई कर ले। मैं ट्राई नहीं करूंगा, अब तू ही वो लेकर आएगा। मैंने अपना निशाना बदल दिया है। अब मेरा नया निशाना तू है। तू मेरे लिए ऑक्टोपस लेकर आएगा। अब ये तुझ पर है कि तू खुद दौड़ के जा या अपना दिमाग दौड़ा। मैं तुझे दौड़ाऊंगा। ऑक्टोपस मेरे लिए जितना जरूरी है उतना ही तेरा परिवार तेरे लिए, तेरा बाप माँ भाई बहन भाभी बच्चे। अब ये फैसला कर ले कि क्या तू उन्हें मरता हुआ देखना चाहता है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, पर तुझे चुनना है देश या परिवार। देखता हूँ उन्हें बचाने के लिए कितना लड़ता है। तुझे मात देने में जो मजा आएगा ना, उतना तो देश को बर्बाद करके भी नहीं आएगा। यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर, आई एम नॉकिंग द राइट डोर। जय केशव। अरे लाओ ला। माँ। हाँ? केशव आया है। वो क्या है? वो मेरा सपना है और वही मुझे जॉब भी मिल गई है। वाह, कॉन्ग्रेट्स यार। ऐसा है तुम्हारे दोस्त का घर? इस घर से फालतू देशभक्ति की और मैथ्स की बू आती है। जय, खाना लग गया है, आ जाओ। आता हूँ माँ। ए, चलना। तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरे लौटने तक वो दोनों सवाल हो जाने चाहिए। माँ, केशव भी खाना खाएगा। अब देखना, वो कोई न्यूज़ या स्पोर्ट्स चैनल लगा देंगे। तो पक्का हो गया दीदी, लगता है ऑफिस में से घूस मिलने लगी है। हेलो, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तेरी बहन अब तक घर नहीं आई है। आप बिंदु कहाँ हैं? पता नहीं, अब तक नहीं आई है। लेट क्यों गई? पता है कितना टाइम हो रहा है? गाड़ी पंक्चर हो गई थी भैया। जल्दी अंदर आओ। शिट, क्या हुआ जय? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यार, कोई परेशानी है क्या? तुम प्लीज सो जाओ। Yeah.
दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई है। मेरा परिवार मुसीबत में है। क्या हुआ जय? और ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पुलिस भी उसे नहीं खोज पाएगी। मैंने अभी अभी एक नया सिम लिया है और वो नंबर किसी को नहीं दिया। तुम सब वो नंबर सेव कर लो। 7702-26101। इस नंबर पर तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? पता नहीं वो किस वक्त किस पर हमला कर दे, इसीलिए सब पर निगरानी रखनी होगी। तुम पापा को फॉलो करोगे, तुम माँ को करोगे, तुम भाई को करोगे, तुम बिंदु को, और तुम बच्चों पर नजर रखना। कहाँ जा रही हो बिंदु? शॉपिंग मॉल तक भैया। मुझे भी वहीं थोड़ा काम है, साथ में चलते हैं। ओके। बाय केशव। बिंदु, अपना फोन दो ना, मैं अपने पास रखता हूँ। ओके। तुम वहाँ अंदर कहाँ संभालोगे? कौन है वो? उसके साथ दूसरा आदमी कौन है? और वो किसके लिए काम कर रहा है? सारे जवाब ढूंढने होंगे। सर, इस कार्ड में जय के सारी डिटेल्स हैं। Excuse me, sir. Yes. 21 अक्टूबर को चार मीनार के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट का मेन विटनेस मैं हूँ। मुझे पता करना था उस केस का हुआ क्या। वो केस तो बंद हो गया सर। मरने वाले का एड्रेस तो होगा ना सर? यूसुफ कादर वहाँ रहता है। यूसुफ, आप यूसुफ की पत्नी हैं? हाँ। कोर्ट के बाहर केस को किसने सेटल किया था? उसका, जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था उससे 10 लाख रुपए दिलवाए। पैसे किसने दिए? वहाब। वहाब, जानती है वो कहाँ रहता? उधर बाजार है ना। हाँ? वहाँ पता कीजिए। अच्छा भाई साहब, आपको पता ही है वहाब कहाँ रहता है? क्या नाम बताया तुमने? वहाब। वो काली स्कॉर्पियो का ड्राइवर है ना, वो वहाब पीछे की गली में रहता है। थैंक यू। वाहिद के पीछे पड़ा है। वह आपको वहां से निकालो, जय को मैं संभाल लूंगा। कैसे हो दोस्त? घर पर हो या ऑफिस में? तुम्हारी बहन ने तो गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है, लेकिन उसके साथ वो जोकर कौन है? तू बचेगा नहीं। कॉल बिंदु। हेलो, क्या हुआ?
क्या कहा उसने? शायद डर गई होगी या कहीं जाकर छुप गई। कॉल केशव। पर एक आदमी आया था। हमारा तो छोटा शॉप है सर, यहाँ कोई नहीं आया। ए, कहाँ पर है तू? मैं यही शॉपिंग मॉल में हूँ। तो फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वो फोन साइलेंट पर था। बिंदु कहाँ पर है? बिंदु का फोन भी मेरे पास है, वो ब्यूटी पार्लर गई थी ना तो फोन मेरे पास रख दिया। तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। वाहिद यहाँ पहुंच गया है। उसके मरने का वक्त हो गया है। राम मूर्ति जी कहां पर हैं? उस तरफ। बताइए। राममूर्ति जी आप ही हैं? हाँ। टेंथ क्लास का हिस्ट्री पेपर आप ही सेट करने वाले हो ना सर? करा। हाँ? उठ। कौन हो तुम? बोलो। कहाँ से आए हो? किस कोचिंग से आए हो? ए, रुको, रुको, रुको। पकड़ो उसे। ए, रुको, रुक जाओ। ये ब्रीफकेस लेते जाओ। रुको। आज करप्शन टीम ने राममूर्ति नाम के एक सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस राममूर्ति से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। सर, मैंने वकील से बात की है, वो सब संभाल लेगा। थैंक यू सर। ओके। तुझे लगा मैं तेरी बहन को निशाना बना रहा हूं, धोखा खा गया तू। तेरे परिवार के एक एक सदस्य को मारने का मतलब गलत समझ लिया तूने। तू एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तुम्हारे लिए इज्जत जरूरी होती है, इसीलिए तेरे बाप के मुंह पे कालिक पोती। ना वो सिर उठाएगा ना किसी से नजर मिलाएगा, खत्म हो गया वो। अब भी वक्त है, चुपचाप मेरी बात मान ले। लड़ाई शुरू हो जाने के बाद साथ वाला जवान मर जाए, रुक जाए या पीछे छूट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई में सिर्फ जीत या हार जरूरी होती है। इस लड़ाई में तू मुझे कमजोर करने के लिए जितनी बार कॉल करेगा मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। और तेरी बात मानना तो दूर, जितने कॉल करेगा उतनी जल्दी मारूंगा। आप सब लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ।
पिताजी। ये अब क्या कर रहे थे पापा? जब पुलिस वाले मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मैं सर झुकाए बैठा था, मैं तभी मर गया था बेटा। अब इस शरीर का क्या फायदा? इस दुनिया को ये फांसी का फंदा ही चीख चीख कर बता सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, कि मैंने कोई गलती नहीं की। दुनिया की फिक्र क्यों करते हैं? आप हमारी दुनिया हैं, हम आपकी दुनिया हैं। हम जानते हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, बस इतना ही काफी है। तुम बात को ऐसे घुमा क्यों रहे हो? इन्हें बता क्यों नहीं देते ये सब तुम्हारी वजह से है? हाँ अंकल, इस सब के पीछे यही है। अगर इससे जो मांगा गया था इसने दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। बिंदु की जिंदगी इसी वजह से खतरे में पड़ी और अब इनकी भी। तुम इन्हें बता क्यों नहीं देते सब कुछ? मैं क्या बताता पापा कि अगर मैं ऑफिस से ऑक्टोपस लाकर नहीं दूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है? क्या मैं ये बताता? उसने परिवार के बदले देश भेजने को कहा तो मैंने उससे मना कर दिया। क्या मैं ये बताता? क्या मैं ये बताता कि मैं परिवार को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ, बस पागलों की तरह उससे लड़ रहा हूँ? क्या मैं ये बताता पापा? बोलिए ना, ऑफिस की चीज से इतना लगाव क्यों है? परिवार जरूरी है या ऑफिस? मेरे ऑफिस का वो बेशकीमती ऑक्टोपस ही नहीं बल्कि ऑफिस में पड़ा 10 रुपए का बॉल पेन भी इस देश की प्रॉपर्टी है। किसी को नहीं दूंगा, अपने परिवार के लिए अपने देश को नहीं बेचूंगा। मैं ऑफिस का सामान देने की बात कर रहा हूँ, तू बात बात में देश को क्यों बीच में ला रहा है? ऐसा क्या रखा है इस देश में? हाँ अंकल, आप ही समझाइए। भैया, भाभी, बहन, बच्चे, इन सब के आगे ये देश क्या चीज है? गरीबी, कर्ज, भ्रष्टाचार, भूख, अकाल, सूखा, हर काम के लिए घूस खिला। तुम्हारी भारत माता सिर्फ फोटो में ही अच्छी लगती है, वैसे तो ये देश बड़ा फेलियर है। अच्छा यही है कि हम सब अपने बारे में सोचे, दैट्स बेटर। बिल्कुल सही कहा, फेलियर। अरे सिर्फ देश ही क्यों, मेरे चारों ओर देखो, मेरा परिवार भी एक फेलियर है। IAS IPS बनना चाहते थे पापा पर टीचर बन गए, ये भी फेलियर है। स्कूल टीचर की कम सैलरी में घर चलाने वाली मेरी क्वालिफाइड माँ, वो भी फेलियर ही है। MBA के बाद भी जब कोई अच्छी जॉब नहीं मिली तब पापा की कमाई से बिजनेस करने वाला मेरा भाई, वो भी फेलियर है। ऊंचे सपने देखने वाली मेरी भाभी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, ये भी फेलियर है। DRDO में इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट ना होने वाला मैं भी एक फेलियर ही हूँ। लेकिन अगर अपना नजरिया बदल दिया जाए तो मेरे पापा ने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर IAS और IPS बना दिया है, ये सक्सेसफुल है। मेरी भाभी ने भरे पूरे परिवार को मैनेज किया, ये सक्सेसफुल है। चाहे बिजनेस करना अच्छा लगे या ना लगे पर अपने बिजनेस को नंबर वन बनाने वाला मेरा भाई, ये सक्सेसफुल है। एक DRDO के साइंटिस्ट को पैदा करने वाली मेरी माँ, ये सक्सेसफुल है। उसी तरह ये देश जो सालों साल दूसरों का गुलाम रहा, जिसे लूटा गया, अत्याचार किए गए, फिर भी ये देश शान से सर उठाए खड़ा है। सक्सेस और फेलियर हमारे अंदर होता है। 100 करोड़ की आबादी कमजोरी नहीं है, ताकत है। जब कुछ लोग साथ आते हैं तो परिवार बनता है और जब कई लाख परिवार साथ आते हैं तो एक देश बनता है। एक परिवार के खत्म होने से देश को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर देश को कुछ हुआ तो एक भी परिवार नहीं बचेगा। मैं अपने परिवार की कसम खा के कहता हूं, मैं ऑक्टोपस नहीं दूंगा। कट गया।
स्विच ऑफ योर मोबाइल। Bye bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Auto, Gulmohar Garden. उस ऑटो के पीछे चलो। हाँ मैं जा रहा हूँ। सर कुरियर सर। मेरा पुराना फोन बिल, इतने सारे मैसेजेस भार्गवी को गए, ये कैसे हुआ? नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। टू लीव अ वॉइस एसएमएस जस्ट डायल स्टार फॉर। जय को काबू में करने के लिए ये मेरा पहला शिकार है। आओ और पास आ। जय, क्या हुआ जय? मेरा शक सही था। भार्गवी कहाँ है? वो भी फ्रेंच क्लास के लिए निकली है। फ्रेंच क्लास गई है? तुमसे मिलने के लिए मैं फ्रेंच क्लास का बहाना करके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने तुम्हें से भेजा था। पर मैंने तो नहीं भेजा। ये क्या हो रहा है जय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कोई है जो चाहता है कि तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, पर ऐसा होगा नहीं। जिंदगी से वो जाएगा और तुम आओगी, तब तो खुश हो जाओगी ना। मैंने एक नया फोन नंबर लिया था और उसे सिर्फ अपने दोस्तों को ही दिया था। फिर तुम्हें इस नंबर से कॉल कैसे आती है? कहीं तुम्हारा कोई दोस्त इस साजिश में शामिल नहीं है ना? हो सकता है उसने मेरे किसी दोस्त से ये नंबर लिया हो, या मेरे दोस्तों में कोई उससे मिला हुआ, या मेरे दोस्तों में से ही वो कोई एक हो। अब तक वो मुझसे खेल रहा था, अब मैं खेलूंगा। हम अनावरम जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है माँ पापा को इससे टेंशन कम होगी। मैंने अपने रूम में एक डिवाइस लगाया, वो एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताएगा कि कॉल करने वाला कहाँ और हमसे कितनी दूरी पर है। जो खेल उसने शुरू किया था उसे मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा। बस एक फोन कॉल और वो गया। ओके गाइस, अब कल मिलते हैं। और सुनो केशव, तुम किसी होटल रूम में शिफ्ट हो जाओ, मेरी वजह से बहुत तकलीफ सह चुके हो, मैं नहीं चाहता कि और सहो। सॉरी, लेट्स गो बॉयज। ड्राइवर गाड़ी घुमाना, वापस घर चलो, लाइट्स ऑफ कर दो। मां, अगर सब साथ में गए तो पता चल जाएगा। सब लोग यहीं पर रुको। वॉचमैन ठीक 10 बजे आता है और 5 बजे तक रुकता है। दूध वाला आता है 5:30 बजे और पेपर वाला 6 बजे। इसका मतलब 5 से 5:30 के बीच घर पे कोई नहीं आता। अगर कोई घर में घुसने के बारे में सोचेगा तो वो 5 बजे से पहले कभी नहीं आएगा। अब बस 5 बजने का इंतजार है।
क्या हुआ दोस्त? एक बार वो घर पर ही था, मेरा पीछा कर रहा है। मथुरा नगर की 8th लेन में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तुम वहां पहुंचो। ठीक है। फ्रेंड्स, कल तारामती पर लंच के लिए मिलते हैं। जय, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी। प्रसाद नहीं लाए? वो माँ के पास है। बाय द वे, मुझे खास बात बतानी थी। वो आदमी ऑलमोस्ट मेरे हाथ में आ गया था, अब बस उसे एसीपी सर को तोहफे में देना बचा। एक मिनट। हाँ सर, बताइए सर। ओके सर, नंबर बताइए सर, अपना फोन देना। एक मिनट सर। जी सर। यकीन नहीं आ रहा ना, इतनी आसानी से पकड़ लिया। ये तुम्हारे दोस्त इकबाल का नंबर है। सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगे। दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। तूने मुझे अपना दोस्त माना होगा, मैंने नहीं माना। मैं जानता हूं कि तू कितना होशियार है। पता था कि तू मुझे पकड़ ही लेगा, फिर भी तुझसे मिलने के लिए आ गया। अब ब्रेकिंग न्यूज मुझसे सुन। जरा अपने फोन पर वीडियो तो देखना। फोन कैमरा है ना, क्लैरिटी थोड़ी कम है। अगर यहां मेरा बाल बांका हुआ ना, तो वहां तेरे बाप का सिर फट जाएगा। जिस परिवार को तू इतने दिनों से बचाता रहा, वो अब मेरे कब्जे में है। जो दिमाग तूने मुझे फंसाने में दौड़ाया ना, अब तू वही दिमाग मेरे फायदे के लिए दौड़ाएगा। जाकर ऑक्टोपस लेकर आ। वो तुझे उनसे बात करनी है। वो आपको भी मारना चाहता है। We love you, चाचू। जे, अपना ख्याल रखना। बच्चे, बच्चे कहाँ हैं? बेटा जय, तेरी माँ और बच्चे ठीक है ना? उन्हें कुछ मत होने देना। पापा, पापा। जय, तुम जरा भी मत डरना बेटा। ऑक्टोपस हमारी जान से ज्यादा कीमती है। नहीं सुधरेंगे। तेरा परिवार भी बिल्कुल तेरी ही तरह है। कुत्ते की पूंछ है सबके सब। हर एक पर 14 किलो RDX बांधा है मैंने।
शहर के भीड़ वाले इलाकों में 6 अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। अगर आधे घंटे में वो ऑक्टोपस मेरे पास नहीं आया ना, तो बम फट जाएंगे। शहर के भीड़ से भरे इलाके एक एक करके तबाह हो जाएंगे। अब तो ऑक्टोपस मेरे पास लाने की समझदारी करना चाहता है, या बेवकूफों की तरह यहाँ खड़े रहकर अपने परिवार के साथ सैकड़ों लोगों को ब्लास्ट होते हुए देखना चाहता है। फैसला कर ले। जिस तरह तूने मुझे ढूंढ निकाला है, मेरे अड्डे को भी ढूंढ कर निकाल और वहीं आ जा। गुड लक माय डियर फ्रेंड। हे, कसम निभाने के लिए ये ठीक नहीं है। जाने दे यार, छोड़। ये जानते हुए कि मौत सर पे मंडरा रही है, फिर भी सबको दूसरों की जिंदगी के बारे में चिंता थी। एक ने भी खुद को बचाने के लिए नहीं कहा, यहां तक कि बच्चों ने भी नहीं। मेरे फैसले से किसी को भी दुख नहीं है। कल मुझे अगर ये कहना पड़े कि उनकी वजह से मैंने देश के साथ गद्दारी की, तो मेरा परिवार वैसे भी जीते जी मर जाएगा, इसलिए मैं चाल चलूंगा। हे, पागल हो गया है क्या? पता है ना कि पूरा परिवार कब्जे में है, वो सबको बिना मारे छोड़ देगा क्या? और सुन, हम सबको भी मार देगा वो। हम जंग लड़ने जा रहे हैं, अगर मैं मर भी गया तो हर घर से मेरे जैसे सैकड़ों देशभक्त पैदा होंगे। चलो सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन सी जगह पर भीड़ ज्यादा होती है? पहला कांदीवली। कांदीवली राजेश, कांदीवली को सेंटर मानते हुए उससे 3 किलोमीटर के रेडियस का एक सर्कल बनाओ। कोकरबली, गचीपोली, सिकंदराबाद, ओल्ड सिटी, मेहदीपट्टनम, इन सारे सर्कल्स में ही मेरी फैमिली होगी सर, क्योंकि उसने फोन से ही मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया था। एक SMS से बॉम्ब फट सकता है। खुद को बॉम्ब से बचाने के लिए वो सिटी के बाहर रहेगा या इस एरिया के सेंटर में रहेगा, क्योंकि ऑक्टोपस को सिटी से बाहर ले जाने में बहुत खतरा है। तो मेरे हिसाब से अगर वो बचना चाहता है तो वो सिटी के सेंटर में रहेगा। राजेश, इन जगहों के बीच का एक सेंटर पॉइंट निकालो, उस पॉइंट से इनके साथ एक और सर्कल बनाओ। सो, अगर उसे धमाके से बचना है तो वो इस पॉइंट के आसपास ही होगा। अगर पुलिस वहां गई तो 1 SMS से शहर में धमाके होंगे। माय गॉड, उसके 1 SMS से पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा क्या? वही तो रोकना है। बॉम्ब फोड़ने के लिए SMS जरूरी है। SMS रोकने के लिए इस पूरे एरिया का मोबाइल नेटवर्क डाउन करना होगा सर। नेटवर्क बंद करने के लिए हाई लेवल परमिशन चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सब करने में 3 घंटे लग जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ से स्विच ऑफ तो करना है सर। सर, मेरे पास एक आइडिया है। राजेश, हमारे यहाँ पर कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? एयरटेल, BSNL, जियो, आइडिया, तकरीबन 10 होंगे। अच्छा ठीक है, वहाँ के छोटे तबके से लेकर टॉप तक के जितने भी हमारे जवान वहाँ काम करते हैं, उन सबको कॉन्टैक्ट करो। उनके नंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। मैसेज भेजो के पास के सारे सिग्नल्स को बंद कर दिया जाए। इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैम होने चाहिए आसिफ, लेकिन वो जिस एरिया में है उसका नेट बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे उसे शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर, आप सादी वर्दी में बॉम्ब स्क्वाड को इन सर्कल्स में भेजकर मेरी फैमिली मेंबर्स को ढूंढवाइए सर। श्योर। राजेश, ए, सबसे पहले उसको ढूंढो कहाँ पर है, फिर इस कोड के जरिए हम तेरी पूरी फैमिली को ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम शहर की पूरी गली गली जानते हैं। पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तुम्हारे लिए रिस्क है। सर, हम वो लोग हैं जान लेने के बाद भी किसी को पता नहीं चलता। गारंटी है हमारी कि हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे सर। सीमा की रक्षा के लिए तो जवान तैनात रहते हैं, पर देश की समस्या के लिए हर घर में एक जवान होना चाहिए।
सीधे सीधे बता अंदर जाने का रास्ता किधर से? छोटी सी दुकान है, यहाँ कोई रास्ता नहीं। ए, जल्दी बता रास्ता कहाँ है? सर जब रास्ता ही नहीं है तो बताओ क्या? बता दे तो। आ गया तू, मैं जानता था, मुझे तेरी दोस्ती पे यकीन था। माँ बाप से प्यार करना तो कोई तुझसे सीखे। मैं जानता था तू आएगा और साथ में मेरे लिए ऑक्टोपस लाएगा। जब मेरे बारे में इतना ही जानता है तो ये कैसे सोच लिया कि मैं गद्दारी करूंगा? ऑक्टोपस सेफ है तो परिवार गया तेरा। ना फैमिली जाएगी ना ये शहर जाएगा, क्योंकि सारे मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए। तेरा ये SMS तेरे फोन में ही अटका रह जाएगा। ब्रदर, तुम जवान ग्रुप से हो ना? मैं जवान ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं एयरटेल ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं आईडिया ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं एथिकल हैकर हूँ, सारी साइट्स हैक करने की टेक्नोलॉजी है मेरे पास। अगर आप ओके करते हैं तो 30 मिनट में सारे नेटवर्क्स खत्म हो जाएंगे। ये मोबाइल नेटवर्क्स अगर हैक हो जाएं तो 30 मिनट बाद अपने आप शुरू हो जाते हैं। तुझे मुझ तक पहुंचने में 20 मिनट लग चुके हैं, मतलब सिर्फ 10 मिनट और इंतजार करना है। इन 10 मिनटों में तू यही मरेगा, तब तक तेरा परिवार और शहर आखिरी सांसें लेगा। जिंदगी भर बहादुरी दिखाता आया है, बलिदान देने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरे इस बलिदान को यही मिट्टी में मिला दूंगा मैं। मार। शिकार चल के शिकारी के घर आया है, मेरे ही हाथों मरेगा।
देश को हम पर नहीं, हमें देश पर गर्व होना चाहिए। बन जा रे तू जवान, अब हर धड़कन कहे जनगण।